Hello everyone, welcome back to your class. Our topic was staffing. We were reading staffing. Today we are going to start another topic from uh, staffing that is, component or aspects of the staffing. So, earlier you have taken the class, everybody knows the meaning of the staffing. किसी भी वर्क प्लेस पे काम करने वाले जो लोग हैं ह्यूमन रिसोर्स जो हैं उनको अरेंज करना उनको एक साथ वर्क प्लेस पे लेके आना उनको रिक्रूट करना प्लेसमेंट करना राइट right पर्सन को राइट right जॉब के लिए विद राइट क्वालिफिकेशन एट एट राइट टाइम इज नोन एज स्टाफिंग फाइन एवरी तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग के स्टाफिंग के आस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हैं द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट देन इट इज सिलेक्शन एंड देन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट किसी भी जगह पे जो स्टार्टिंग है वो जब की जाती है तो वहां पर क्या देखा जाता है आपको मैंने सारा पहले दिखाया हुआ है पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिए अब आप क्या कर रहे हो रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है जब किसी भी कंपनी के लिए आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इट्स मीनिंग इज अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल अप्लाई फॉर ट जॉब पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेकेंट पोजीशन है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना कि वो आपकी कंपनी में रिज्यूमे ड्रॉप करें या वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए वर्क करने के लिए और आप उस पोजीशन को क्या करो फिल करो राइट तो दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो आपकी कंपनी के साथ वर्क करें वो आपकी कंपनी में वर्क करें राइट दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट ठीक है तो अब जब आप उनको मोटिवेट करेंगे तो उसका फायदा आपको क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपकी कंपनी में वर्क करने के लिए अप्लाई करेंगे जब ज्यादा लोग आपके पास में होंगे तो यू कैन हैव अ चॉइस आप अच्छी चॉइस कर सकते हैं ज्यादा लोगों में से आप किसी लोगों को चुन सकते हैं जो आपके वर्क के लिए आपकी जो पोजीशन है बिजनेस में वेकिट पोजीशन जो है उसके लिए सुटेबल हो करेक्ट अब किसी भी कंपनी में जो रिक्रूटमेंट होता है उसके सोर्सेस क्या क्या हैं फाइन किसी भी कंपनी में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके सोर्सेज जो है वो क्या क्या है तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जब आप देखते हो तो देयर आर टू सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज राइट इंटरनल सोर्सेज जो है वो किसके थ्रू हो रहे हैं ट्रांसफर के थ्रू हो रहे हैं या फिर प्रोमोशन के थ्रू हो रहे हैं तो ट्रांसफर जो है वो क्या हो रहा है इंटरनली किया जा रहा है यानी कि आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में से जो लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस तरीके से जो वेकेंट पोजिशन होती है उसको फिल कर दिया जाता है राइट right? तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे अगर आपकी कोई आ, कोई व्यक्ति है अगर प्रताप नगर ब्रांच में अगर वर्क कर रहा है और अगर हमें जरूरत है किसी दूसरे ब्रांच में उसकी तो हम वहां पर उसका क्या कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पर वो जो इंडिविजुअल है उसकी जो पोजिशन है वो सेम ही होती है और उसका जो पैकेज होता है वो भी कैसा होता है सेम ही होता है उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं इट इज जस्ट ए ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू इस तरीके से आप क्या करते हो इंटरनली अपनी पोजीशन जो, जो है उनको full, कर देते हो. इस तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर लेते हो सेकेंड आता है आपका प्रमोशन प्रमोशन में क्या होता है आपका कि आप क्या करते हो किसी भी इंटरनली किसी जो आपके यहाँ जो वर्कफोर्स है उसको आप क्या कर देते हो प्रमोशन दे देते हो और प्रमोशन दे करके आप उनको शिफ्ट कर देते हो ठीक है तो इस तरीके से प्रमोशन दे करके भी आप क्या कर सकते हो रिक्रूटमेंट जो है वो कर सकते हैं अब आता है आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है आपका ये हम कल पढ़ रहे थे कि आपके जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं पहला है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ तीन पॉइंट्स डायरेक्ट रिक्वायर रिक्रूटमेंट कैजुअल और लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है जब आप अपनी कंपनी के बाहर आप क्या कर देते हो एक नोटिस लगा देते हो जिसमें आप बता देते हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी है तो आप अपनी वैकेंसी के बारे में दे देते हो डिटेल आपको कितने लोगों की ज़रूरत है और क्या क्वालिफ़िकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफिकेशन को लेकर के ये सारी चीजें आप क्या कर देते हैं वहां बाहर ही आप मेंशन कर देते हो मे बी क्या आप दीवार पे कुछ लगा देते हैं कागज लगा देते हैं चिपका देते हैं वैकेंसी लिख देते हैं वट एवर इट इज ठीक है तो इस तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाते हैं जो भी व्यक्ति उसको देख रहा है एंड इफ ही और शी रिक्वायर्स द जॉब और उसको लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तो वो आएगा और आकर के क्या करेगा वॉक इन इंटरव्यू में आएगा और इंटरव्यू दे करके अपना सिलेक्शन भी करवा सकता है राइट एक इंटरव्यू जो है वो आप ले लोगे फिर आता है आपके कैजुअल कैजुअल कॉलर्स कॉलर्स अब में कौन आ जाते हैं जब आपने आपने किया कि वेकेंसी निकाली तो आपके पास में बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं या फिर आपके पास में वॉक इन में आने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं इन दैट केस आप क्या करते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि तेन लोगों के लिए हमें चाहिए राइट अगर हमें दस लोगों के लिए अगर हमें दस लोगों के लिए चाहिए कि हमारी जो पोजीशन है वो कितनी वैकेंट है दस पोजीशन जो है वो वैकेंट है और आपके पास में आपने जो आ, सिलेक्शन किया है लोगों का वो कैसा है मतलब आपको लगा कि जो पंद्रह बंदे हैं वो क्या है इसके लिए फिट होते हैं तो क्या हुआ उनमें से आपने दस को तो अपॉइंट कर लिया और बाकी के जो पांच हैं वो आपने क्या किया स्पेयर में रख लिया उनको एंड वेन एवर यू रिक्वायर्ड तो आपने उन्हीं पांच लोगों को क्या किया एक कॉल किया कि देयर इज अ वैकेंसी फॉर वी आर लुकिंग फॉर अ वैकेंसी तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से कैजुअल कॉलर्स जो हैं, वो उनमें क्या किया जाता है जो स्पेयर होते हैं और आपको लगता है कि वो अच्छे कैंडिडेट्स हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो थर्ड आता है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि ज्यादा टच में रहते हैं लेबर के वो लेबर जो है वो उनको कॉन्टैक्ट कर लेती है कि भाई हमें काम चाहिए और इधर जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी क्या करती हैं इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती हैं क्युं? क्यों क्योंकि ये लेबर के कॉन्ट्रेक्ट में रहते हैं तो इस तरीके से ये क्या करते हैं आपको जो लेबर है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं इस तरीके से भी रिक्रूटमेंट किया जाता है फोर्थ वन इज़ मीडिया एडवर्टाइजिंग मीडिया एडवर्टाइजिंग इज वेरी कॉमन मीडिया जो है उसमें प्रिंट मीडिया भी आ गया आपका है ना और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया तो मीडिया के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट दे करके और अपना जो कंपनी के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसको आप इजीली कर सकते हैं आप क्या करते हैं मीडिया में एक एडवर्टीजमेंट देते हैं हैव यू एवर सो द न्यूजपेपर आपने देखा है ये इस तरीके का पहले कभी देखा है न्यूज़पेपर खोल करके ऊपर अपॉइंटमेंट्स लिखे रहते हैं हैव यू एवर सीन कितने yes. लोगों ने देखा है से यस और नो इफ यू हैव सीन ये कोई बड़ा मैटर yes, नहीं है नहीं भी देखा तो आज देख लीजिएगा अभी खोल के पेपर को ठीक है तो पेपर में पूरा एक जो पेज है वो अपॉइंटमेंट्स का आता है तो आप वहाँ पर एक ऐड दे सकते हैं कि आपकी जो पोजीशंस हैं आपकी कंपनी में वो कितनी है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वॉक इंटरव्यू जो वॉक इन है या उसके लिए एक टाइम डिसाइड किया हुआ है तो इस तरीके से आप मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग करके अपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो कर सकते हैं दिस इज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पोजिशन वैकेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन वैकेंट है उसके लिए आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं कैजुअल कॉलर्स कर सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग करके भी आप लोगों को अपने यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं कि वो आए और मतलब अगर परफेक्ट है तो वहां पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसी ने ये वर्ड सुना है पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नो मैम ओके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं इट इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी उसके बाद में आ रहा है आपका कि प्लेसमेंट एजेंसीज तो क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं वो एक तरीके से सिमिलर हैं जो डिफरेंस है इनका वो ये है कि इट इज़ गवर्नमेंट मतलब क्या कह सकते हो आप गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है और जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ होती हैं, वो प्राइवेट लोगों के द्वारा रन की जाती हैं। तो आप में से कितने लोगों ने प्लेसमेंट एजेंसीज़ के बारे में सुना है? कभी सुना है कि प्लेसमेंट एजेंसी से मैंने ये जॉब लिया है यस और नो मैम प्लेसमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं ये प्राइवेट लोग जो हैं वो वर्क करते हैं ये प्लेसमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन और जो कॉमन uh, पीपल होते हैं उनके दोनों के लिए म्यूचुअल मिडिल मैन का वर्क करती हैं इनके पास में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोग अपनी कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो इनको बताते हैं कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से जो पोजिशन हैं वो वैकेंट हैं हमारे यहाँ पे uh, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है तो वो इनको बता देते हैं और वो लोग जिनको की काम की ज़रूरत होती है वो भी क्या करते हैं इनके पास में अपने रिज्यूमेस जो होते हैं वो ड्रॉप करते हैं कि अगर हमारे लायक कोई जॉब होती है तो प्लीज इन्फॉर्म अस राइट तो इस तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया और ये बहुत इजी अप्रोच हो गई उनके लिए जिनको की आ, आ, नौकरी चाहिए जिनको की काम चाहिए और उनके लिए भी जिनको की लोगों की जरूरत है काम करने के लिए राइट तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो क्या करते हैं मिडिल मैन का वर्क करते हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्कर्स जो लोग हैं उनके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लिंक का, का काम करते हैं उनको लोगों को जॉब अवेलेबल कराते हैं और जो कंपनीज होती हैं उनको वर्कर्स अवेलेबल कराते हैं ठीक है और ये जो चीजें होती हैं ये कमीशन बेसिस पे होती हैं जब आपकी फर्स्ट सैलरी आती है तो फर्स्ट सैलरी का जो भी कमीशन इनका बनता है वो कमीशन बोथ द साइड्स चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो बंदा हो वो दोनों जने इनको प्रोवाइड कराते हैं तो वो इनकी इनकम होती है सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट राइट द नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट जो नेक्स्ट है वो आपका आता है कैंपस रिक्रूटमेंट ये बहुत कॉमन सी चीज़ है आपने देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जहाँ पर कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं अब ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो इनको अप्रोच करती हैं और वहाँ पर ये ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा या फिर अपनी चॉइस ये देखते हैं कि किसका स्किल कितना है कौन कितना इंटेलैक्ट रखता है कितना इंटेलेक्चुअल है उसके बेसिस पे ये क्या करती हैं ये कंपनियां जो हैं वो कैंपस में जाती हैं इनके और वहां पर ये रिक्रूटमेंट करती हैं राइट right? वहां पर ये पर्टिकुलर जैसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आई आई एम है अहमदाबाद तो आई आई एम इज वेरी फेमस वेरी रिनाउंड क्या होता है ऐसी जगह पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो वहां जाती हैं और अकॉर्डिंग टू देयर Uh, कि वो उनका जो लेवल है वो कितना हाई है उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज जो होती है वो इनको हायर कर लेती है किसी को बहुत बड़ी कंपनियां मिल जाती हैं जो थोड़ा कम स्टैंड uh, कर रहा है उसको दूसरी कंपनीज अडॉप्ट कर लेती हैं तो इस तरीके से क्या होता है कैंपस रिक्रूटमेंट जो है इज वेरी कॉमन नाव डेज और इससे इजीली सही जगह पे सही व्यक्ति का रिक्रूटमेंट होता है फाइन द नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है कि सपोज आई एम वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन ये हमारा टीचिंग का आपका इंस्टीट्यूशन है स्कूल है सम वन इज वर्किंग अब मुझे अगर बोला जाएगा कि इफ आई कम टू नो कि यहाँ पर एक टीचर की रिक्वायरमेंट है देन वॉट कैन आई डू अगर मेरा कोई जानकार है तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं उसको रिकमेंड कर सकती हूँ तो इसी तरीके से जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी क्या करती हैं कि अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज होती हैं उनसे दे आज और अगर वो किसी को रिकमेंड करते हैं तो वो उनका रिक्रूटमेंट जो है वो कर लेती हैं तो दिस इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जिसमें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनके रिकमेंडेशन पे क्या किया जाता है रिक्रूटमेंट किया जाता है द सेकेंड वन इज एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी अब जो टीवी है उनके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है जैसे कि मीडिया का था मीडिया एडवर्टाइजिंग है उसी तरीके से मीडिया एडवर्टाइजिंग में ये हो सकता है कि जो एक रोजगार समाचार पत्र अलग से ही आता है तो रोजगार समाचार पत्र में भी आप अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं अब यहाँ पर यह है कि आप टीवी पर अपना एडवर्टीजमेंट दे करके भी क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं लोगों को हायर कर सकते हैं द नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग वेब पब्लिशिंग इज वेरी कॉमन एंड पॉपुलर मीन ऑफ रिसोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा नौकरी डॉट कॉम है या फिर मॉन्स्टर डॉट कॉम है या फिर जॉब uh, स्ट्री जॉब है आपका या लिंक इंधन है इनके ऊपर आपने देखा है कि बहुत सारे वेकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं राइट तो इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं घर बैठकर के लिए यू कैन फाइंड आउट द राइट पर्सन एंड राइट पर्सन कैन फाइंड आउट द राइट जॉब फॉर हिम और राइट right? hmm. तो इस तरीके से यहां पर बहुत सारी इस तरीके की आपकी वेबसाइट्स uh, हैं, जो कि आपको क्या कर रही है जॉब जो है वो आपको अवेलेबल कराती हैं फाइन सो अंडरस्टैंड दिस मच आगे आप लोगों को समझ में इतना uh, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन आस्क This is all for today. We will continue our topic tomorrow. Fine, everyone. Thank you.